की टीएमसी के गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, टीएमसी के गुंडे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पश्चिम बंगाल सरकार हाय 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 हाय। बंगाल चुनाव होना है और बंगाल की जो राजनीति है वो चरम पर पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में जिस तरीके से कल जेपी नड्डा पहुंचे थे बंगाल, तो वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया जाता है, जिसके बाद से जो भाजपा है पूरे तरीके से हमलावर होती है टीएमसी पर, और टीएमसी और भाजपा के बीच में आपस में जो है बयानबाजी शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में आज पटना के कारगिल चौक पे ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पे पटना की इनकम टैक्स पर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया, बंगाल की मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया, और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से बंगाल में जेपी नड्डा पर हमला किया था, उनके कैफिले पर हमला किया था, उसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो राजनीति बंगाल की वो कहीं ना कहीं चरम पर पहुँच चुकी है। क्या कुछ कहना है भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा का इस हमले को लेकर, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। करती है ये ईंटा ढेला हिंसा का काम योजनाबद्ध तरीके से होता है, और ये और जनता अगर और गुंडा अगर करते तो उनको रोकने का काम करती कि उसको और प्रोत्साहित करने का काम करती। टीएमसी के सारे कार्यकर्ता गुंडा का रूप लेकर यह काम को दर्शाए हैं। इसी के लिए पूरे भारत की जनता इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी आज पुतला दहन करती है। वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगा के जल्द से जल्द चुनाव कराने की। देखिए ये एक अलोकतांत्रिक कार्य है, इसका जितना आलोचना किया जाए कम है, इसकी भूरी भूरी आलोचना हो और इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। कार्यवाही क्या होगा यह तो या तो कोर्ट करेगा या फिर सरकार करेगी, लेकिन हम लोगों का डिमांड है कि यह अलोकतांत्रिक कार्य है, इसका हम निंदा करते हैं और उसके प्रतिरोध स्वरूप उसके प्रतिरोध में आज हमने पुतला दहन का कार्य किया। अमित शाह पर भी हमला हो चुका बंगाल में, आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्या ममता सरकार डर चुकी है? देखिए हमारा काम है जनता के आवाज़ को उठाने का काम। आप देखिए कि हमारे पास जितने कार्यकर्ता हैं, जनता और हमारे समर्थक भी बड़ी संख्या में हैं, और हम अब इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से भी हम बात करेंगे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जनता की आवाज़ लोकतंत्र को आगे रखने के लिए अनुशासन जरूरी है, गुंडागर्दी खत्म हो, लोकतंत्र की जय जयकार हो, और ममता बनर्जी ने जो कुकृत्य कार्य किया है उसका उनको दंड मिले, यही हमारा डिमांड है। बंगाल में भाजपा के करीब 150 कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है, इसका क्या नतीजा चुनाव को होगा, कुछ असर दिखेगा उसमें? इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार केंद्र सरकार इस पर टेकअप एक्शन ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, और उसी के फलस्वरूप हमने यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया। तो आपने सुना अरुण कुमार सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में काफी समय से जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही थी, करीब 150 भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी इसी साल में बंगाल में, ऐसे में केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। बात जहां तक राजनीति की है तो भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल में चुनाव होगा, और जो जनता है बंगाल में टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी और वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। बहरहाल अब आप ऐसी खबरें में बने रहने के लिए लाइव इंडिया के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन समर डे के साथ में सनी कुमार, लाइव इंडिया, पटना।